एक छोटा सा घर से अपना बिजनेस शुरू करके आज के डेट में एक बड़ा एकेडमी खोलने तक का सफ़र कैसे रहा होगा, हम लोग सीधा उस एकेडमी के मालिक से थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि उनका सफ़र किस प्रकार रहा होगा और आज के डेट में बहुत सारे लोगों को उनके एकेडमी से जो है रोज़गार मिल रहा है, जो कि बहुत खुशी की बात है। सबसे पहले मैडम, आपका नाम? सो माई नेम इज़ तानिया प्रिया एंड थैंक यू अरुण भूमि अब न्यूज़ कर रहे और हम अपना कुछ सब हम आपका व्यूअर्स को भी पहुँचा सकेगा। सो बिजनेस करना सच में इजी नहीं है। आज हम यहाँ पे जहाँ में पहुँचे बहुत मुश्किल का दौर से गुजर के ही हम यहाँ तक पहुँचाए और सो हम थोड़ा सा अपना बिजनेस का बारे भी बोलेगा। जैसे कि हम लोगों का जो बिजनेस था, हम एक घर से स्टार्ट किया था, वो भी बहुत कम पैसा से। ऐसा बहुत लोग है कि सोचता है कि मतलब फैमिली बैकग्राउंड बहुत होना चाहिए, बहुत ज़्यादा पैसा होना चाहिए, ऐसा कोई बात नहीं होता है। अगर आप हार्ड वर्क करेगा, डेडिकेशन देगा, तो आप छोटा से भी आप बड़ा कर सकता है, ये मेरा मानना है। क्योंकि हम ये अभी मेरा ऑलमोस्ट 7 ईयर्स होने जा रहा है, तो ये 7 ईयर्स का जर्नी में हम ये सीखा है। और तो इतना छोटा सा मेरा दीदी का घर से हम स्टार्टअप किया था, तो स्टार्टअप करते करते हम जस्ट स्टार्ट करके होके फिर हम ये टूर 2020 को हम फिर जी एक्सटेंशन पे मेरा था, वो भी छोटा से ही था। क्योंकि डायरेक्ट बड़ा स्टार्टअप करने के लिए हम थोड़ा सा डर रहा था, क्योंकि इतना ज़्यादा उस समय में पैसा भी नहीं था। तो हम छोटा छोटा से कर करके अभी आप भी देखा होगा, अभी हम बहुत बड़ा से इस्टेब्लिश कर लिया। बड़ा बोल के इतना भी बड़ा नहीं, लेकिन मेरे लिए तो ये बहुत बड़ा है। तो हम उतना ज़्यादा इस्टेब्लिश कर लिया। ये एकेडमी चलाने के लिए, आप केक्स वगैरह बनाने के लिए आपने कहाँ से मतलब पढ़ाई की है? एक्चुअली तो पहले जो हम एक्चुअली जब हम वो ग्रेजुएट मेरा जब मास्टर ख़त्म हो गया था, मेरा भी ऐसा कोई नहीं था कि हम इसी फील्ड में ही आएगा बोल के। तो लेकिन हम सोचा था हम एक दो बार इंटरव्यूज़ दे लेगा, अगर उसमें नहीं होगा तो हम अपना खुद का ही कुछ करेगा बोल के। तो वैसे ही हो के हम थोड़ा मार्केट स्टडी किया, क्योंकि कुछ भी करने से पहले तो थोड़ा मार्केट स्टडी तो ज़रूरत होती है। वैसे ही करके हम मार्केट स्टडी किया, तो आप लोग को ही पता होगा पहले हम लोगों का यहाँ पे बहुत सारा लोकल बेकरीज होता था, उसमें न्यू ईयर में, क्रिसमस में, इवन बर्थडे केक्स होने के लिए भी एक दो सप्ताह लग जाता था ऑर्डर करना था। और बहुत सारा इतना हेल्दी नहीं हुआ करता था उस समय में, और हम लोगों का जो समय में था बहुत कम से कम मतलब अच्छा वाला बेकरी था उस समय में 2018 में। तो हम सोचा कि क्यों ना हम ये बेकरी बिजनेस ही करेगा बोल के। तो हम फिर फर्चर जो मेरा उसके लिए हम सीखने के लिए दिल्ली गया। दिल्ली ऐसा नहीं है सिर्फ दिल्ली में, हम बहुत ज़्यादा उसमें हम कोर्स किया, क्योंकि हमको लगता था कि हम पहले सिर्फ केक ही बनाता था, तो बहुत सारा क्लाइंट लोग अप्रिसिएट किया कि आपका केक बहुत टेस्टी है, बहुत हाइजीन मेंटेन करके आप बनाता है बोल के। जैसे एक दो ऑर्डर्स आए, उसका बल्क में ऑर्डर आना स्टार्ट हो गया, तो बहुत सारा लोगों ने हम लोगों को रिक्वेस्ट भी किया था कि आप क्यों ना हम लोगों को भी क्लासेस दे दे। तो हम भी सोचा, लेकिन हम उसमें इतना कॉन्फिडेंट नहीं था। तो एक मेरा उस समय में एक बिजनेस पार्टनर भी था, वो मीनाक्षी दत्ता था, उसका भी एक एक्शन बेस में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट है, उसने भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया। फिलहाल वो अभी नहीं है, वो भी अपना एक बिजनेस स्टार्टअप अपना जगह में, वो आसाम से था, वो IIE का मैम था। तो वैसे होके ही स्टार्ट किया और फिर हमने आस्ते आस्ते करके स्टार्ट किया। तो हमको खुद ही हमेशा से लगता था कि किसी को सिखाने से पहले, कुछ भी चीज़ प्रोफेशनली करने से पहले खुद प्रोफेशन होना होगा। ऐसे ही करके हमने क्या किया कि बहुत सारे थ्योरी क्लासेस, मेरा साथ प्रैक्टिकल नॉलेज तो था लेकिन मेरा साथ थ्योरी का नॉलेज इतना नहीं था। तो हमने बहुत जगह जगह में जाके क्लासेस किया, मैंने सेफ लुको मिला, फिर बहुत सारा जगह पे काम भी किया मैंने। तो वैसे कर करके मेरा स्किल बढ़ते गया। तो वैसे उसी समय से हमने अपना ये बेकिंग एकेडमी छोटा से ही घर से ही स्टार्ट करके खोल के पहले तो हम लोगों का सिर्फ 4 स्टूडेंट था, फिर से 6 हुआ, फिर से 8 हुआ। वैसे करते करते अभी तो हम लोगों ने 5000+ स्टूडेंट को ऑल ओवर अरुणाचल में सिखाया, और डिस्ट्रिक्ट वाइज भी बहुत सारा, इवन SSG का जो इस बार हम लोगों ने रिसेंटली पाके केसांग में करवाया, आलो पे करवाया, पासीघाट पे करवाया, अभी आप ये बोल सकते हैं कि हम लोग अरुणाचल का फर्स्ट बेकिंग एकेडमी है। और हम लोग का जो एकेडमी को सेफ कुणाल कपूर से भी रिकॉग्नाइजेशन मिला है इस बार, इसी बार ही मिला है। तो वैसा करके और हम खुद को और हम लोग का एकेडमी जो शायद बहुत सारा वोमेंस को कंट्रीब्यूट किया है अपना स्किल डेवलपमेंट करने के लिए। क्योंकि बहुत सारा होम लेडीज होता है, वो लोग क्या होता है घर में ही ऐसे ही डिप्रेस होकर पड़ा हुआ होता है। इससे हमको बहुत ज़्यादा फीडबैक मिला है कि मैम कि आपसे क्लासेस करके अभी हम 1-2 रुपया कमा रहे, पहले हम इतना फाइनेंशियल स्टेबल नहीं था, सिर्फ मेरा पति का कमाई से नहीं होता है। तो हम ये बोलना चाहेगा बेकरी बिजनेस बहुत मतलब जो अभी फूड बिजनेस है वो बहुत अभी ट्रेंडिंग में है और बहुत आगे है ये फूड बिजनेस है। तो मतलब
छोटा सा दुकान से शुरू करके 5000 लोगों से अधिक लोगों को अभी के समय में ट्रेन करना और वो अपना अपना जगह में आज के डेट में मतलब अपने परिवार को पाल रहा है। एक समय वही जो है माएँ बहनें जो है अपने पति को डिपेंडेंट होता था, लेकिन आज ये बेकरी से यहाँ से एकेडमी से यहाँ से सीखने के बाद जो है अपने परिवार को मतलब देखना चलाना, बच्चों को स्कूल करने के लिए फीस तक पहुँचाना, मतलब ये एक सोचने से मतलब बहुत ऐसे लगता है कि माँ बहुत अच्छा काम है, क्योंकि ये छोटा से शुरू हुआ और आज इतना बड़ा 5000 से भी अधिक लोगों को मतलब यहाँ से सिखा कर जो है आज अपना अपना जगह में इस प्रकार का बिजनेस करना। तो ये मतलब अभी के आपके पास कुछ लिस्ट होगा जो आपसे सीखने के बाद कोई अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अपने अपने गांव में मतलब कुछ इस प्रकार का एक दुकान खोल के मतलब रोजी रोटी कमा रहा होगा, ऐसे कुछ आइडिया है आपके पास? वैसा बहुत है, पासीघाट पे भी है, इवन जीरो पे भी है। अभी भी आप देखा होगा हम लोगों का बहुत सारे स्टूडेंट आया था, उन लोगों का भी बहुत, वो लोग घर से ही बना के बेच रहा है। इवन आउटलेट बिजनेस भी है, अभी बहुत सारा है, हम एक हाईलाइट कर देगा। ये आलो पे भी है, ये टोकी स्ट्रीट बोल के है, इवन पासीघाट में भी है, यहाँ पे भी है, नाहरलगन में भी, ऐसे बहुत सारा है हम लोग का। तो अरुणाचल में अभी जितना अभी हर कोई बोलते हैं कि रास्ता रास्ता में केक मिलता है बोल के, तो हम लोगों का ही स्टूडेंट है और वो लोग भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं वो लोग भी। आप बहुत कम पैसे से शुरू किया है, आज के डेट में कितना आपका पैसा ठीक ठाक टर्न ओवर हो जाता है, मतलब अपना जो एकेडमी में जिसको सैलरी देना होगा या फिर आपका जो प्रॉफिट होता है कितना ठीक ठाक होता है, कैसे होता है? सो इसका आंसर हम यही देगा, हाँ बहुत ठीक ठाक है, ठीक है। आप सोचिए हम लोगों का एम्प्लॉय जो 8 जन है, 8 है, 8 एम्प्लॉय है, उसको हम दे सकते हैं, खुद का फाइनेंशियल खुद उतार सकते हैं, कभी कभी बहन दीदी हर किसी को थोड़ा मदद कर सकता है, आप खुद ही अंदाज़ा लगा लीजिए। मतलब आज मैं भी यहाँ पहुँचा हूँ तो मुझे लगा कि कम से कम अभी ये घर जहाँ पर ये इन्होंने अपना एकेडमी खोल के रखा हुआ है तो 40-50 हज़ार से तो महीने का मतलब किराया तो कम नहीं होगा। महीने का किराया अगर 40-50 हज़ार भी देता है, इसका मतलब तो इनका बिजनेस जो है ठीक ठाक चल रहा है, कि ये आज के डेट में मतलब सेल्फ डिपेंडेंट होना ये अपने आप में बहुत बड़ा है। जैसे कि सरकार भी बोलता है कि वोकल फॉर लोकल भी बोलता है, तो इसका भी एक उदाहरण है। उसके बाद नारी सशक्तिकरण की बोलते हैं तो बहुत सारे ऐसे महिलाएँ हैं जो अभी यहाँ पर नौकरी कर रहे हैं। लेकिन आपसे मैं और एक बात जानना चाहता हूँ कि इसको एस्टेब्लिश करने के लिए आपने सरकार से कहीं मदद लिया या फिर आपने कभी सोचा नहीं? नहीं ऐसे बात नहीं है, एक्चुअली जो हम लोग कमिंग फ्रॉम नॉन बैकग्राउंड बिजनेस फैमिली, हम लोगों को भी इतना आइडिया नहीं था तो कि किससे मदद लिया जाए या क्या किया जाए, क्योंकि कोई पता नहीं है, सब तो गवर्नमेंट नौकरी है। और इवन पहले हम जब ये बैकिंग कर रहा था तो मतलब बहुत सारा लोग इसका अगेंस्ट था कि तुमको पढ़ाई भी ठीक है तो तुमको गवर्नमेंट जॉब ही करना है, लेकिन अभी धीरे धीरे मतलब सब चीज़ सेट हो गया तो ऐसे बात नहीं है। तो हमने इस बार भी हमने बहुत सारा लोन मतलब अप्लाई किया था बट बहुत रिजेक्शन हुआ है, तो अभी भी हम ये जो एकेडमी था उसको कुछ लोन लेके ही स्टार्ट करेगा बोल के सोचा था, बट कुछ बैंक वालों ने, अभी बोलने जाएगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, कंट्रोवर्सी भी क्रिएट हो जाएगा, तो बैंक वालों ने भी बहुत रिजेक्ट कर दिया लोन को, एवरी डॉक्यूमेंटेशन ठीक होने का कारण से भी मतलब रिजेक्ट कर दिया। तो फिर भी हम यही बोलेगा कि ये जो है किसी का मदद का द्वारा नहीं है, खुद का मदद मतलब खुद का ही बलबूते है हम आज यहाँ पे, लेकिन ऐसे बात नहीं है इन फ्यूचर हम गवर्नमेंट का भी हेल्प लेगा बोल के अभी कोशिश तो कर रहे हैं। तो ये बहुत मतलब बैंकों से लोगों का ऐसे एक विश्वास रहता है कि उनसे मदद मिलेगी, लेकिन इन्होंने कोशिश भी किया होगा, नहीं मिला होगा अनदर केस से, लेकिन इन्होंने आज के डेट में जिस प्रकार से खड़ा किया ये एकेडमी को ना, ये काबिले तारीफ है और यहाँ से लोगों को सीखना चाहिए। लोग ये भी जानना चाहते हैं कि मतलब आज के डेट में मतलब जो आपने एकेडमी खोल लिया और यहाँ पर केक सब कुछ बनता है, तो आपका केक जो है यहाँ पर ईटानगर नाहरलगन में कहाँ कहाँ सप्लाई होता है? एक्चुअली हम लोगों का अभी हम लोगों ने एक्चुअली प्रोडक्शन हाउस अभी तक हम लोग खोला नहीं है, बट हम लोग क्या करता है, ऑर्डर्स लेते हैं और हम लोगों का ये सक्सेस का पीछे तो हम लोग का क्लाइंट का ही हाथ है, हम लोग का लॉयल क्लाइंट का ही हाथ है। अगर उसका बिना लव एंड सपोर्ट का कारण से आज हम लोग इतना बड़ा एकेडमी और इतना बड़ा आउटलेट नहीं खोल पाता, क्योंकि हम लोग का जो भी है और हम लोगों का मेन चीज़ ये है, हम लोग एवरी चीज़ कस्टमाइजेशन करके बनाता है। क्लाइंट को अगर ये चाहिए तो ये मिल जाएगा, अगर क्लाइंट को बोला कि हमको शुगर फ्री चाहिएगा, इवन जैसे डिमांड होगा, हाँ जैसा डिमांड होगा हम लोग वैसे ही करता है। और हम लोग का जो क्या होता है, एवरी चीज़ रॉ इंग्रेडिएंट से बनाया जाता है, हम लोग बिल्कुल प्रीमिक्स यूज़ नहीं करता है, इसीलिए हम लोगों का यहाँ पे बहुत डिमांड है। हम लोग का तो आप बंडरडुआ जाता है, निर्जुली जाता है, इवन आप ईटानगर से आते हैं और कोई कोई लोग तो यहाँ से पासीघाट ले जाते हैं, यहाँ से ही जीरो ले जाते हैं, ऐसा बहुत ज़्यादा डिमांड है। ये जब एकेडमी आपने जिक्र किया तो यहाँ पर कोर्सेज कैसे चलता है?
एक्चुअली हम लोग का यहाँ पे तीन टाइप ऑफ कोर्सेज फॉर नाउ अवेलेबल है. तो सबसे पहला जो हम लोग का वीकेंड क्लासेस है वो उन लोगों के लिए है जो कोई भी मतलब 7 दिन 8 दिन सप्ताह लग के कोर्सेस नहीं मतलब एबल कर पाता है, तो उन लोगों के लिए है 2 डेज है, जो ऑफिस लेडीज लोग आके आराम से 2 दिन का बेसिक घर में खाने के लिए वो हो जाता है. और एक है हम लोग का बिजनेस कोर्स, प्रोफेशनल बिजनेस कोर्स है, वो आपका 15 दिन तो वो 1 महीना का रहता है. वहाँ पे किसी को घर से कुछ स्टार्टअप करना है या तो किसी को मतलब अपना कुछ एक बेकरी स्टैब्लिश करना है उसके लिए एक कोर्सेस रहता है. और फिर एक हो गया अभी हम लोगों का ये कस्टमाइज कोर्सेस, जैसे कि जो जो ऑलरेडी बेकरी फील्ड में है, कैफे है, अगर उन लोगों को कुछ एक्सटेंड करना है, अपना मेनू में कुछ ऐड करना है, तो उनके लिए भी एक है. एड्रेस बता देंगे ये आपका एग्जैक्ट लोकेशन को? सो अभी हम लोगों का फिलहाल तो सबको पता है, यहाँ पे हम लोग का पहले जी एक्सटेंशन में था, अभी बी सेक्टर है, टाकर कॉम्प्लेक्स के पास पे अरुणाचल फ्रंट बिल्डिंग बोल के, अरुणाचल फ्रंट तो सभी को पता होगा, न्यूज़पेपर वाला बिल्डिंग, तो ये इसका फर्स्ट फ्लोर पे है. मैं आखिर में आपसे ये चाह रहा हूँ कि आप जितना भी जो हमारे जो आज के डेट में हमारे जो बहनें हैं भाई हैं जो गलत रास्ते पे जा रहा है, अगर आप बिज़नेस संभालते हैं बिज़नेस करते हैं तो आप अपना करियर को आगे बढ़ा सकता है, उन तमाम लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? सो हम तो यही बोलना चाहेगा क्योंकि सबका एक अपना अपना फील होता है, लेकिन हम ये फूड प्रोसेसिंग लाइन बेकरी लाइन में एक्सपर्ट है, तो हम सजेस्ट करना चाहेगा कि बेकरी लाइन भी मतलब वैसा नहीं है कि आप अगर इसमें मेहनत करेगा तो आप बहुत आगे जा सकता है, क्योंकि जो फूड बिजनेस बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल वाला बिजनेस है अगर अभी आज का ज़माना में देखा जाए तो. और लाइफ में जो कोई भी स्ट्रगल कर रहे हैं उनको वही बोलेगा कि आप लोग स्ट्रगल करते रहिए, हार मत मानिए. कभी ऐसा होता है चीज़ कि किसी का आगे हो जाता है किसी का पीछे हो जाता है, लेकिन ज़रूर होगा. तो हर चीज़ करने के लिए खुद को ही सेल्फ मोटिवेट करना होगा, क्योंकि ऐसे अभी बहुत सारा होता है कि हम लोगों का, जैसे मेरा भी बहुत सारा सिस्टर लोग है कि बहुत डिप्रेशन में चला जाता है कि एक दो बार ट्राई करेगा नहीं होगा, ये नहीं होगा, ऐसा नहीं होता होना चाहिए कि हर चीज़ लाइफ में फ्लक्चुएट होते रहता है, कभी किसी का आगे हो जाता है कभी किसी का बाद में हो जाता है, लेकिन इसके लिए आप मतलब हार नहीं मानना चाहिए, आप कोशिश करते रहना चाहिए. और आप लोग जो भी करेगा अपना दिल से कीजिए और हर चीज़ को आप लोग फॉलो कीजिए. और बिजनेस करना होने से भी हम ये फील्ड में एक्सपर्ट है, तो आप लोग आइए और हमसे गाइडेंस लीजिए, हम आप लोग को डेफिनेटली गाइड कर देगा. और ऐसा बहुत सारा लोग को हम बेकरी सेटअप करने के लिए भी हेल्प कर दिया. थैंक यू. एक बात समझना होगा, आप कोशिश करते रहिएगा, कोशिश कभी मतलब बेकार नहीं जाता है, हो सकता है आगे पीछे या फिर पहले या फिर बाद में ज़रूर होता है, लेकिन कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, जैसे प्रिया ने बताया. और मैं उम्मीद करता हूँ जितने भी लोगों ने इस इंटरव्यू को देखा है, तो जो हमारे बहने हैं भाई हैं जो आज के डेट में गलत रास्ते पर जो लोग चल रहे हैं, अगर आप भी कुछ करना चाहते हैं, खासकर बेकरी की जब बात करते हैं, इनसे कुछ सीखना चाहता है, तो इनके एकेडमी में आकर के इनसे पूछताछ कर सकता है, जो कि प्रिया कोस्ट में इनसे जानकारी ले सकते हैं और कैसे पढ़ना है वो आपको आने वाला समय में भी बता देगी. और मैं उम्मीद करता हूँ आपका ये काम जो है बरकरार रहेगा और आने वाला समय में मतलब आप और अपना नाम कमाएंगे, ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ. थैंक यू सो मच. और अरुण भूमि को भी फिर से और एक बार थैंक यू सो मच बोलेगा कि मेरा जो मैसेज है ये आपका व्यूअर्स तक पहुँचाने के लिए. थैंक यू. सभी को पता है कि हमारा जो स्टेट में अनएम्प्लॉयमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप जो चर्चा है वो जोरदार से चल रहा है. तो हम लोग तो सरकार का नौकर भी है, सरकार का रिप्रेजेंटेटिव भी है. हमारा ड्यूटी होता है कि सरकार का जो मानसा है, पॉलिसी है, प्रोग्राम है, उसको हर जगह में बताना है और कोशिश करना है उनको रियाज कर देने के लिए. तो ये लोग आज ये केक और क्या क्या बोलते हैं, पेस्ट्री देखो क्या कर सकता है आदमी है. तो इसका एक एकेडमी खुला है यहाँ में, अपने ये लोगों को सिखाने के लिए ये कोशिश करेंगे. अनएम्प्लॉयमेंट जो है स्किल डेवलपमेंट का बात कर रहा है. Happy announcement. 1 week long free children heart operation camp will be jointly organized by highly experienced UK based healing little hearts heart team of Sky Hospital and Manipur Heart Foundation from 6th to 12th October 2024 at Sky Hospital, Imphal, Manipur. The joint team will be operating at least 2 children every day with various birth heart hold defects. People of Arunachal Pradesh are appealed to avail such unique opportunity of the operation camp.
Hurry. Last date of registration is 25th September 2024. For more details, please contact Sky Hospital 841-593-4236.